टेलीविजन आज भारत के घर घर में देखा जाता है। डीटीएच सेवा ने इसे और सुगम बना दिया है। 15 सितंबर 1959 में शुरू हुए दूरदर्शन के प्रसारण ने भारत में सूचना क्रांति ला दी। शुरुआत में केवल बड़े शहरों तक सीमित था ये प्रसारण, धीरे धीरे देश के कई क्षेत्रों में घरों के ऊपर एंटीना नजर आने लगा। लघु शक्ति ट्रांसमीटर LPT से ये प्रसारण छोटे शहरों और गांव तक पहुंचने लगा। करोड़ों की लागत से स्थापित हर LPT में 4 से 5 इंजीनियर और ऑफिसर्स तैनात किए गए। हर शिफ्ट में कम से कम 3 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस तरह देश भर में इन दिनों लगभग 1500 LPT काम कर रहे हैं, जिनसे होने वाला प्रसारण यागी एंटीना के माध्यम से देखा जा सकता है। अकेले मध्य प्रदेश में 70 LPT केंद्र हैं। इस तरह का एंटीना आपने भी खूब देखा और इस्तेमाल किया होगा। अच्छे सिग्नल की चाह में आपने भी घुमाए होंगे ऐसे एंटीना, लेकिन अब ये सब कल की बात हो गई। हालांकि देश में केबल टीवी और DTH आने के बाद इस प्रकार के यागी एंटीना से टीवी देखना लगभग खत्म हो गया है। इसके साथ ही घर की छत पर चढ़कर बार बार एंटीना घुमाना और उसकी ऊंचाई बढ़ाने की कवायद भी खत्म हो गई है। रोज रोज विकसित हो रही तकनीक ने अब टेलीविजन प्रसारण को और सरल बना दिया है। मोबाइल टीवी ने इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन प्रसार भारती को लगता है कि शायद वो जमाना फिर लौट सकता है, इसीलिए देश भर में इस प्रकार के एंटीना के लिए प्रसारण जारी रखा है। ऐसे यागी एंटीना से कोई टीवी देखे या न देखे, करोड़ों रुपए की बिजली का उपयोग करते, 80 से 90 हजार रुपए तनख्वाह पर रखे गए हजारों कर्मचारियों के साथ ये हजारों LPT HPT केंद्र अब भी चल रहे हैं, मानो उसी एंटीना युग का इंतजार कर रहे हो। 1 अरब से अधिक रुपए खर्च कर प्रसार भारती की इमारत बनाई गई, जिसमें 250 से अधिक वातानुकूलित कमरे हैं। एक कमरे में एक बाबू साहब। इमारत का सौंदर्यीकरण देखते ही बनता है। हालांकि यहां से न कोई प्रसारण होता है, न ही किसी कार्यक्रम का निर्माण। इससे पहले ये दफ्तर PTI इमारत के सिर्फ 8 कमरों से चल जाता था। आकाशवाणी केंद्रों और निदेशालय में कार्यरत हजारों पढ़े लिखे अधिकारियों के बाद भी 75% रिटायर्ड अधिकारियों को भारी मानदेय पर अतिरिक्त रूप से रखकर करोड़ों रुपए का अपव्यय क्यों? प्रसार भारती के पूर्व CEO जवाहर सरकार के एक लेख के अनुसार, आकाशवाणी केंद्र कैजुअल अनाउंसर कंपेयर्स के भरोसे अपना प्रसारण कर रहे हैं, तो फिर केंद्रों में रखे गए हजारों अधिकारियों पर खर्च की जा रही इतनी मोटी तनख्वाह क्या आवंटित फंड का दुरुपयोग है? मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र FM ट्रांसमीटर 101.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होता है। सन 1992 में स्थापित इस केंद्र से न सिर्फ बालाघाट जिला, बल्कि मध्य प्रदेश के सिवनी, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और महाराष्ट्र के गोंदिया भंडारा जिले के श्रोता भी लाभान्वित होते हैं। 2016 की स्थिति में इस केंद्र में 1 स्टेशन इंजीनियर, 3 सीनियर इंजीनियर, 3 इंजीनियर, 2 टेक्नीशियन पदस्थ रहे, जिनके जिम्मे एक मल्टी पर्पज ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो, एक अनाउंसमेंट बूथ, एक कंट्रोल रूम, एक AC प्लांट और एक ट्रांसमिशन मास्ट है। प्रशासनिक अधिकारियों में केंद्र निदेशक का एक पद बरसों से रिक्त ही रहा है, इसलिए आहरण वितरण अधिकार स्टेशन इंजीनियर के पास है। लेखा विभाग में 1 सांख्यिकी अधिकारी, 2 LDC, 1 स्टोरकीपर और 1 स्टेनोग्राफर है। इसके अलावा 1 भृत्य व 1 वाहन चालक भी पदस्थ हैं। लाइब्रेरी और ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव ड्यूटी ऑफिसर के पद रिक्त हैं। लाइब्रेरी कार्य के लिए कैजुअल बुक किए जाते हैं। ड्यूटी ऑफिसर का कार्य ऑन ड्यूटी अनाउंसर को करना पड़ता है। कार्यक्रम विभाग में 2 कार्यक्रम अधिकारी पैक्स हैं, जिनमें से 1 कार्यक्रम प्रमुख का दायित्व तो संभाल रहे हैं, 1 नियमित अनाउंसर है। इस केंद्र से सुबह 5:50 से रात 11 बजे तक लगातार प्रसारण किया जाता है, जिसमें 3 पाली में कर्मचारी अपनी ड्यूटी करते हैं। एक दिन में कम से कम 3 अनाउंसर्स की आवश्यकता होती है। इस केंद्र में मौजूद 1 परमानेंट अनाउंसर द्वारा प्रतिदिन 3 सभाओं में सुबह 5:50 से रात 11 बजे तक लगातार प्रसारण ड्यूटी करना मानवीय तौर पर संभव नहीं है, लिहाजा
इस कार्य के लिए कैजुअल अनाउंसर्स कंपियर्स रखे गए हैं जो परमानेंट अनाउंसर की अनुपस्थिति में उनके काम को पूर्ण करते हैं। अगर सोमवार की ट्रांसमिशन ड्यूटी है तो कैजुअल अनाउंसर को दो दिन पहले यानी शुक्रवार को ही तैयारी के लिए आकाशवाणी कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता है, जिसमें वो उद्घोषणाओं का आलेख तैयार कर कार्यक्रम प्रमुख के समक्ष उसका वाचन करता है और आलेख पर हस्ताक्षर लेकर प्रसारण संबंधी सामग्री लाइब्रेरी से आहरित करता है। कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार अनाउंसर स्थल रिपोर्ट आदि की ओबी रिकॉर्डिंग व फोन इन कार्यक्रम की स्टूडियो रिकॉर्डिंग के साथ एडिटिंग भी करता है। लाइव प्रसारण के बाद अनाउंसर को ही लॉगिंग और रॉयल्टी शीट भी तैयार करनी पड़ती है, जबकि ये काम ड्यूटी ऑफिसर यानी डीओ का है। इसी तरह किसान वाणी कार्यक्रम कंपेयर प्रसारण हेतु निर्धारित तिथि से पहले निर्धारित विषयों पर संबंधित विषय विशेषज्ञ से ओबी इंटरव्यू संग्रहित करने के लिए दो दिन पहले ही आकाशवाणी कार्यालय पहुंचकर रिकॉर्डर आहरित करता है और विषय के अनुसार कृषि विशेषज्ञ अधिकारी किसानों आदि से इंटरव्यू रिकॉर्ड करता है तथा आकाशवाणी लाकर स्टूडियो में आवश्यकता अनुसार एडिट करता है, क्यू शीट में दर्ज करता है। लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो किसान वाणी और कृषि विषयों पर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर रिपोर्ट आदि कार्यक्रम की ओबी रिकॉर्डिंग एडिटिंग भी करता है। इस तरह हम अगर देखें तो देश भर के आकाशवाणी केंद्रों में कैजुअल अनाउंसर और कंपेयर्स ही प्रसारण सामग्री और प्रसारण की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यही बात प्रसार भारती के पूर्व CEO जवाहर सरकार भी अपने लेख में लिख चुके हैं। देखा जाए तो हर केंद्र में मौजूद 3-4 कार्यक्रम अधिकारियों का कार्यक्रम निर्माण में कोई योगदान नजर नहीं आता। देश भर में कुछ ही अधिकारी हैं जिन्हें कार्यक्रम निर्माण में रुचि है और वे अपने योगदान के लिए सम्मानित भी हो चुके हैं। शेष अधिकारी कार्यालय समय यानी 10-5 का टाइम पास करने और अनावश्यक राजनीतिक हथकंडों में व्यतीत कर देते हैं, यानी सिर्फ प्रसारण से जुड़े अनाउंसर कंपेयर्स और तकनीकी कर्मियों से चल सकता है आकाशवाणी दूरदर्शन का काम। प्रसारण में मुख्य रूप से इंजीनियर्स की आवश्यकता होती है, इसके बाद कार्यक्रम निर्माण करने वाले प्रोडक्शन असिस्टेंट और जनरल असिस्टेंट, ऑडियो वीडियो एडिटर्स, मेकअप आर्टिस्ट, फ्लोर मैनेजर, फ्लोर असिस्टेंट, एंकर व लाइब्रेरियन, जर्नलिस्ट संवर्ग, एकम्पनिस्ट और माइक्रोफोन पर बोलने वाले अनाउंसर, कंपेयर, न्यूज रीडर, संपादक आदि की आवश्यकता होती है। इसके अलावा वित्त प्रबंधन लेखा कर्मियों को छोड़ दें तो बाकी कर्मचारियों अधिकारियों पर हो रहा खर्च सिर्फ अपव्यय है।